आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और अच्छे होंगे। देख सकते हैं मेरे पीछे कुतुब मीनार, और मैं आज अभी कुतुब मीनार आया हुआ हूँ। कुतुब मीनार का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो में। देख और गाइस, कुछ इस तरीके से एंट्री होगी, और एंट्री होने के बाद चलते हम आगे की तरफ। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर आप काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग होता है, और आप अंदर आने के टाइम में खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जा सकते हैं, या फिर ट्राईपॉड माइक वगैरह। तो आप इस सब बातों का ख्याल रखें। और यहाँ पे आने के लिए आप मेट्रो से आ सकते हैं, या फिर अपना व्हीकल, पर्सनल व्हीकल से आ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं क्या है और एक्सप्लोर करेंगे पूरे कुतुब मीनार को। और गाइस, हम कुतुब मीनार की बात करें तो जो गुलाम वंश के सुल्तानों के द्वारा इस स्थापत्य कला को बनाया गया, इस कुतुब मीनार का नामकरण भारत के प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पर पड़ा है। ये कुतुब मीनार ताजमहल के बाद दूसरी सबसे ऊंची स्थापत्य आर्किटेक्चर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक इस पर काम करवाया। इसके बाद इल्तुतमिश द्वारा 1210 से 1236 के बीच इस पर काम हुआ। और कुतुब मीनार की बात करें तो इसके बनने में 21 वर्ष का समय लगा, और इसकी जो लंबाई है 72.5 मीटर, या फिर 337 फीट भी बोल सकते हैं। और गाइस, हम चलते हैं। आप अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार का अनुकरण करते हुए दूसरा कुतुब मीनार बनवाने की कोशिश की, परंतु वह पूरा ना हो सका क्योंकि उसी बीच उसकी डेथ हो गई। ये देख सकते हैं आप, यही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कोशिश किया गया था कुतुब मीनार बनवाने का। Thank you.
फाइनली कुतुब मीनार के पास हम पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं कुछ ऐसा देखने को मिलता है अंदर आने के बाद। चलिए आप चलते हैं आयरन पिलर के पास और कहा जाता है कि इसमें पूरा आयरन डला हुआ 98% कहा जाता है कि इसमें आयरन है। चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं आयरन पिलर। और ये रहा आयरन पिलर, देख सकते हैं आप। कहा जाता है कि इसमें 98% आयरन डला हुआ, आयरन का बना हुआ 98%, देख सकते हैं आप आयरन पिलर। और गैस इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, टेक केयर।